Love story, पूरे 9 months की. Oh God, अगर ये paintings मुझे नहीं मिली तो पूरी deal खराब हो जाएगी. इस deal का successful होना बहुत जरूरी है. So मेरे plan के मुताबिक मैं अपने baby को proper time दे सकूँ. और final procedure के लिए सुबह 8 बजे तक clinic भी पहुँचना है. आलिया, तुम कब आई? जतिन जी ने जब अपनी बात से पलटी मारी तब. I really apologize. जो हमने सुना that was not intentional. वो accidentally हुआ. बाबा एक true artist हैं और अपनी paintings किसी और को बेचना उन्हें betrayal लगता है. अब बताइए, वो कहते हैं कि अपने art से वो धोखा नहीं कर सकते. एकदम सही कहते हैं वो और हम उनकी भावनाओं को बिल्कुल समझ सकते हैं क्योंकि हम भी एक artist हैं. Painter हो आप? नहीं, पर उनकी तरह अपनी कला को हम भी पूजते हैं. यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं ना, उनके लिए ये जतिन दत्ता के सिर्फ पेंटिंग्स हैं, पर उनके लिए उनका समय, उनकी यादें, उनके रिश्ते, सब कुछ उन्होंने इन रंगों में उतार दिया है. और क्या हुआ उससे? फैक्ट्स तो चेंज नहीं हुए. सर पे लोन है, पर्सनल क्राइसिस. उनकी पेंटिंग से किसी का प्रॉफिट नहीं हो रहा, उनका भी नहीं, और लॉसेस ऑब्वियसली हो रहे हैं. आलिया जी, आप किसी की कला को, किसी के आर्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में बांट रही हैं. सारंगधर, दिस इज लाइफ, और लाइफ को जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे तभी होते हैं जब प्रॉफिट्स होते हैं. अच्छा एक बात बताइए, अगर एक प्रेमी के पास पैसे कम पड़े तो क्या वो अपने प्रेमिका को किसी और के हवाले कर देगा? एक आर्टिस्ट के लिए उसकी आर्ट जो है ना, उसकी प्रेमिका की तरह होती है. प्रेमिका? जी. क्यों? इम्पॉसिबल सारंगधर. इम्पॉसिबल? अरे पूरे पॉसिबल है, आपके सामने खड़े हैं आलिया जी. मैं क्या बोल रहे हो? अरे सही तो कह रहे हैं इसमें. प्लीज गाइस, अभी बाबा पे फोकस करो. अगर उन्होंने मना कर दिया तो ऑक्शन कैंसिल हो जाएगा. देखो, ऑक्शन तो होना ही चाहिए. लोग अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ पर आए हैं सिर्फ ऑक्शन के लिए, और लोग ऐसे नहीं मानने वाले. आप जतिन को एग्जीबिशन से दूर रखो और अपनी ऑक्शन स्टार्ट करो. दैट्स इट. सर, आप एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते. मतलब जतिन जी की इजाजत के बिना आप उनकी पेंटिंग्स कैसे भेज देंगे? Who the hell is he? केटरिंग वालों के साथ है, शायद असिस्टेंट है. सारंगधर पांडे ना, यही तो नाम लिखाया था आपने. सारंगधर पांडे हटा दीजिए. अरे व्हाटएवर. पांडे, तुम केटरिंग में, तुम आर्ट के बारे में क्या जानोगे? सर सारंगधर. आप व्हाटएवर. सारंग केटर नहीं है. राइटर है सर, और आर्ट के बारे में हम सबसे ज्यादा नॉलेज है सर. सारंग, वो वैन गो की कौन सी पेंटिंग थी जिसकी इंस्पिरेशन स्टोरी तुमने मुझे सुनाई थी? द वन जो उन्होंने असाइलम में बनाई थी. हाँ जी, स्टारी नाइट. हम शायद ये पेंटिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आर्ट के बारे में जानते हैं. काव्या जी, और बाय द वे, सारंग आपकी ही बेटी की कंपनी में राइटर है. क्या राय? सारंगधर इज राइट. हम बिना मिस्टर दत्ता की परमिशन के ऑक्शन नहीं कर सकते, पर ये ऑक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है मेरा मुंबई जाना. आलिया, बाबा बहुत गुस्से में है. मैं हैंडल कर लूंगी उन्हें. मैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट प्लान किसी को भी स्पॉइल नहीं करने दूंगी. मुझे पेंटिंग्स खरीद के सुबह 8 बजे से पहले मुंबई पहुंचना है इंसेमिनेशन के लिए. दिस इज डिस्गस्टिंग. चलो सर. काव्या जी, एक मिनट, हम आते हैं. हाँ आते हैं. इस रूम की वैल्यू लाख्स में होगी, एक्चुअली करोड़ में. नहीं आलिया जी, ये कमरा अनमोल है. अच्छा आलिया जी, इस पेंटिंग पे आपका क्या ख्याल? हम बताएं, ये ख्वाब बेधड़क गले लगा लेते हैं. ख्वाब बेधड़क गले लगा लेते हैं, ये ख्वाब गहरे असर छोड़ जाते हैं. थैंक यू. थैंक यू. आई लाइक इट. किंतु तुम जानता है, ये जो ब्रश का स्ट्रोक है ना, इसको वर्ड्स में बदलना बहुत मुश्किल है. इस कमरे में आके ना सबको पता लग जाएगा कि इन पेंटिंग्स को आप क्यों नहीं बेचना चाहते हैं. कीमती है सर ये, कीमती. सो आपकी पेंटिंग्स अनमोल हैं. ये ख्वाब गहरे असर छोड़ जाते हैं, बिल्कुल आपकी पेंटिंग्स की तरह. दे स्टे विद अस. ये तो हमारी लाइन थी. और आपकी पेंटिंग्स सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जो ये समझे कि आपकी पेंटिंग्स प्राइसलेस है. आई कैन अश्योर यू कि मैं और मेरे क्लाइंट्स आपकी पेंटिंग्स की वैल्यू समझते हैं. सो प्लीज सर, गो टू प्राइस एनी अमाउंट.
অনেক ভালো বলা তো থ্যাংক ইউ ক্যান আই হ্যাভ ইওর চেকবুক आप प्लीज खुद ही अमाउंट भर लीजिए एंड आई कैन गारंटी यू जो भी अमाउंट होगा वो कहीं बाहर लीक नहीं होगा ये है तुम्हारा जैसा कैपिटलिस्ट ये सोचता है कि तुम चेकबुक देके ना दुनिया का कुछ भी खरीद सकता है सर हम भी उपभोक्तावाद के खिलाफ हैं कसम से हम आपकी पीड़ा समझते हैं सर लेकिन आई होप आलिया तू जल्दी से फाइनल प्रोसीजर के लिए मुंबई पहुंच जाए ताकि तूने जितना भी दर्द इन 3 महीनों में सहा है उसका रिजल्ट तुझे एक प्यारे से बच्चे के फॉर्म में मिले गॉड मैं अगर लेट हो गई तो क्या करूंगी हाउ डू आई कन्विंस हिम टू गिव मी द पेंटिंग आलिया जी हम तुम्हें पता है डीडीएस के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्लाइंट्स के साथ जतिन दत्ता की पेंटिंग्स के लिए और मैं अब उन्हें पोस्टपोन नहीं कर सकती हूँ आलिया जी आप समझने की कोशिश तो कीजिए अगर जतिन जी अपनी पेंटिंग्स नहीं बेचना चाहते तो उनके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते I didn't know कि तुम इतने सेल्फिश हो दुनिया में हैंडफुल लोग होते हैं जो जतिन दत्ता जैसी पेंटिंग बना पाते हैं या तुम्हारी तरह पोएट्री लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ अस हम आर्टिस्ट नहीं है जब आर्ट एक आर्टिस्ट की पर्सनल स्पेस से निकलकर बाहर जाती है तब उसकी पहचान बनती है उस आर्ट की एक जर्नी होती है एक डेस्टिनेशन होती है अगर किसी पेंटिंग की डेस्टिनेशन किसी होटल के लाउंज में लिखना है तो वो उसका मीनिंग है और अगर उसकी डेस्टिनेशन एक म्यूजियम के वॉल पे तो उसकी मीनिंग अलग है अगर एक आर्टिस्ट को ये लगता है कि उसकी आर्ट या उसकी पोएट्री सिर्फ उसके लिए तो फिर वो आर्ट नहीं होती है दैट्स वैनिटी तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझा अहंकार वैनिटी का मतलब पता है आलिया जी हमको किंतु ये सब पेंटिंग है ना ये हमारा स्टोरी है सर एक बात बताइए अगर एक आर्टिस्ट होकर हम ये सोचें कि हमारे आर्ट पर सिर्फ हमारा ही हक है तो वो अहंकार होगा नहीं जब आपकी आर्ट बाहर जाती है लोगों के बीच में होती है तो उसकी अपनी एक पहचान होती है कीमत होती है एक अपनी एक जर्नी होती है कि नहीं आलिया जी इसने तो मेरी लाइन सुना दी इनको और सर इमोशंस तो सबके एक ही होते हैं अगर आपकी कोई पेंटिंग किसी को खो देने की कहानी है तो कोई और जिसने किसी को खोया है वो उसे वैसे ही समझेगा पर हम नहीं चाहता कि हमारा पेंटिंग उसका पास हो जिसका पास खाली चेकबुक हो सर इसका सलूशन है मेरे पास आप कुछ पेंटिंग्स को ऑक्शन कर दीजिए और कुछ पेंटिंग्स उनको दे दीजिए जो सच में इन्हें डिजर्व करते हैं जी सर हम आपकी पेंटिंग खरीद तो नहीं पाएंगे पर कद्र जरूर करेंगे अपने चौल की सबसे बड़ी दीवार पर लगाएंगे अगर आप हमें दे तो जतिन जी ऑक्शन के लिए मान गए और जतिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पेंटिंग को गिफ्ट करने के लिए गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम सॉरी कि ऑक्शन 4 घंटे लेट स्टार्ट हुआ सो वेलकम ऑल द बेस प्राइस इज 1 लाख रुपीज 2 लाख्स 2.5 लाख्स हाँ राबिया आलिया तू कितनी देर से है वहाँ पर प्लीज जल्दी निकल वहाँ से बाबा डोंट वरी मैं मुंबई टाइम से पहुँच जाऊंगी सी यू बाय 4 लाख्स सोल्ड 3 लाख्स सोल्ड सोल्ड 2 बज गए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे को एक बात बता ये ऐसी फोटो के लिए कौन 10-10 लाख रुपया देते हैं रे क्या खर्चा होगा इसका ये लकड़े का 200 रुपया ये पेंट और ब्रश 200 महीने तो प्रॉफिट 600 तो टोटल 1000 पकड़ लेना कुछ नहीं रमेश भाऊ अरे जाने दो ना पाओ चलो बैठो आओ एक मिनट काव्या जी सारंगधर जी हाय थैंक यू सो मच
अगर आज आप नहीं होते तो बाबा कभी कन्विंस नहीं होते। अरे और वो केटर कहने वाली बात, अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू सेम। तुम सबकी हेल्प करते हो, मिस्टर हेल्पर मक्का है हमारा, सारंग है ही ऐसा चांगला मुलगा। अच्छा अगर तारीफों की पुल बांध दी हो तो चलें। चलिए चलिए। अरे एक मिनट, आलिया जी दीजिए, हम पेंटिंग आपकी गाड़ी में रख देते हैं। नहीं थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे दीजिए ना, अरे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, हम रख देते हैं, आइए। अरे हमारी अम्मा को पता चलेगा तो मैं खटिया खड़ी कर देगी, दीजिए हम आपकी हेल्प कर देते। तुम मत बताना उन्हें, बट जस्ट लीव देम। अच्छा सुनिए हम क्या कह रहे हैं, आधी पेंटिंग आप रखिए, आधी पेंटिंग हमें दे दीजिए, ठीक है? दीजिए। सारंगधर ये बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स है, मैंने ऑलमोस्ट 1 crore स्पेंड किए पे, मैंने जाती खराब हो जाए। मैनेजर मैं एक मिनट, तो आपको लगता है हम इसे खराब कर देंगे, गिरा देंगे? आप हमें इतना गैर जिम्मेदार समझती हैं? आप तो सारी पेंटिंग्स रख के आएंगे, दीजिए। नहीं नहीं दीजिए, अरे दीजिए हम गाड़ी में रख देते हैं। एक बार और ट्राई कर लीजिए। तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, अबे कैसे जाओगे बिना मैप के? राबिया कॉल कर रही होगी मुझे, गॉड मैं अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाऊंगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। गॉड सारंग, आलिया जी आप टेंशन मत लीजिए, आप ना लंबी सांस लीजिए और आप कहीं नहीं फंसेंगे हमें ना। हां हमें नो, तुम्हें अभी ये रिपेयर करना होगा राइट नाउ, मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। अरे हम वैसे कहीं नहीं जा रहे हैं आलिया जी, पर हम उसको कैसे ठीक करेंगे अभी के अभी, मतलब हम राइटर हैं इंजीनियर नहीं। गॉड मैं ऑलरेडी 4 घंटे लेट थी, इतना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मेरा, मुझे 8 बजे से पहले पहुंचना है, मैं कैसे जाऊंगी? और चाहूंगी भी कुछ इमरजेंसी होगी तो कैसे फोन करूंगी, कैसे फोन करूंगी, मेरे पास तो फोन ही नहीं होगा। एक काम कीजिए आप हमारा फोन रख लीजिए, हम निकालेंगे। हाँ हाँ आप हमारा फोन रख लीजिए और हमारे फोन में मैप देखते देखते मुंबई पहुंच जाएगा। और हम क्या कह रहे थे आलिया जी, हम तो आपके साथ चल ही रहे हैं, इमरजेंसी में किसी को फोन भी कर सकते हैं, है कि नहीं? अब आप बैठिए, हम ना ये पेंटिंग्स को सुरक्षित रख देते हैं। आलिया जी हम एक मिनट में ना रमेश भाव से बात करके आ रहे हैं। अरे आलिया जी का ना फोन टूट गया है तो हम उनके साथ चले जाएंगे। रमेश भाव आप काव्या जी को घर तक छोड़ दीजिए ना। हाँ हाँ फिकर नॉट, काव्या जी हम आपसे कल मिलते हैं। ओके ठीक है चलिए। हाँ चल। चलिए चलिए आलिया जी, हमने सारी पेंटिंग्स एकदम सुरक्षित रख दी गाड़ी में। और हाँ रही बात आपके फोन की, तो वो हमारे सैलरी से ना थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिएगा। सारंगधर यहाँ से लेकर मुंबई तक प्लीज चुप रहना और अपना मैप ऑन करो। जी जी जी, एक चीज तो अच्छी हुई ना कि हम आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की पेंटिंग आपकी गाड़ी में और आप अकेले अंधेरी रात सुरक्षित नहीं था, अब हमारे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्या हुआ आलिया जी, ये डिस्प्ले भी बंद हो गया है। नो, गाड़ी खराब हो गई है। आलिया जी, आलिया जी आप ठीक तो है ना? सारंगधर अभी अपना फोन निकालो और किसी मैकेनिक को ढूंढो, मुझे किसी भी हालत में मुंबई पहुंचना है। हाँ हाँ मैकेनिक को कॉल करते हैं, आप तो ठीक है ना? रुकिए पानी लेके आते हैं आपके लिए। सारंगधर प्लीज, मैं जो कह रही हूँ वो करो, फिक्स दिस कार राइट नाउ। हाँ हाँ करते हैं मैकेनिक को कॉल आलिया जी। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। गॉड हम क्या करेंगे? आलिया जी आप ना रिलैक्स कीजिए पहले, ऐसे हड़बड़ाइए मत, कई बार ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, है कि नहीं? अच्छा एक काम कीजिए आप गाड़ी में बैठिए, कोई भी जाएगा तो उसे लिफ्ट मांगकर निकल जाएंगे, है ना? आइए। Have you gone mad? हम किसी भी अनजान आदमी के साथ लिफ्ट लेके चले जाएंगे? अरे मुझे दो, मैं नेटवर्क ढूंढती हूँ। आलिया जी वाह रे इंसान, इंसान छोड़ के टेक्नोलॉजी और नेटवर्क पे भरोसा है आपको? कहा आलिया जी आप सुनिए तो मेरी,
आप किसी की बात नहीं सुन रही है ना? नहीं। अरे अरे कहाँ जा रही, फिसलेंगे आलिया जी, उधर फिसलन है आप। अरे आप हमारी बात सुनिए, गिर जाएंगे आप, पूरा फिसलन है इधर। अरे देख के आलिया जी एकदम हाथ बढ़ाइएगा मत, धीरे धीरे आइएगा, फिसल जाएंगे नहीं तो आप। आइए आइए, हाथ दीजिए आराम से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, धीरे से आइए आइए। अरे आराम से आराम से आलिया जी, आप बोल रहे हैं आपको, देखिए धीरे धीरे आइए, हाथ गंदा है, देख रही हैं आप। नेटवर्क तो ढूंढना पड़ेगा ना। अरे तो कहाँ नेटवर्क ढूंढेंगी, घर फिरदौस बर्रुवे जमियस्त, अमियस्तो हमियस्तो हमियस्त। हेलो मैकेनिक शॉप से बोल रहे हैं भैया? वो हम जतिन दत्ता के बंगलो से 20 मिनट्स आगे हैं, 20 मिनट। ओके ग्रेट, पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। मैकेनिक मिल गया, अच्छे खासे जगह की बैंड बजा दी। तुम क्या अपने आप से बात कर रहे हो? देखिए ना, ये देखिए, वो देखिए, ये सब देखिए, इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर जगह का क्या हाल बना दिया लोगों ने। इंसान भगवान के नाम पे क्या क्या करता है। आलिया जी वहां चलते हैं। या आइए, ध्यान से हाँ, ये देखिए, देख रही हैं, किसी ने पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया और यहीं फेंक दिया। आपको पता है इस देश में कितने लोग भूखे सोते हैं, पर उनकी किसको पड़ी है, लोग तो भगवान को घोष करने में लगे हैं ना, और कुछ महारथी इमोशंस का बिजनेस करते हैं। आलिया जी इमोशंस का बिजनेस सिर्फ आप ही नहीं करती हैं, वो भी तो करता है। What? मतलब आलिया जी हम इंसानों ने ना ऊपर वाले को बिजनेसमैन बना दिया है और करते हैं उनके साथ डील्स। जैसे परीक्षा में 100 नंबर आए 100 रुपए चढ़ाऊंगा, सोमवार का व्रत रखा है तो परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, और बाकी डील्स तो आप बेहतर समझती ही हैं, है ना? तू मेरा मजाक उड़ा रही है। हमारी इतनी मजाल कतई नहीं। अरे जी हम तो बस इंसान की फितरत के बारे में बता रहे हैं, जो भगवान पे जिंदगी का भार और जिंदगी का ब्लेम दोनों डाल देते हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक बात पर सहमत हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। बिल्कुल। योर विल शैल डिसाइड योर डेस्टिनी। शार्लेट ब्रॉन्टी। जिस चीज को मैं देख नहीं सकती उस चीज में मैं कैसे विश्वास करूं? मैं नंबर्स फैक्ट्स और डेटा में बिलीव करती हूँ, किसी भी चीज में यकीन करने से पहले मुझे उसका सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है। मतलब जब तक भगवान आपके सामने प्रकट नहीं हो जाते आप नहीं मानेंगे कि वो है। चलिए अच्छा है, किसी चीज में तो हमारे विचार मिलते हैं। मतलब हम इतने से बित्ते से थे ना तभी भगवान से यू टर्न ले लिए थे हम, और अगर भगवान हमारे लिए हैं तो आ जाए हमारे पास। आलिया जी यूं तो कई बार शक हुआ है मुझे कि आप है ही नहीं इस उदास दुनिया में, मगर ऐसे ही किसी पल डूबते चांद और उभरती मूरत को देख दिल में ख्याल आता है आप हैं, हैं तो शायद कहीं, शायद मिल जाए कभी ऐसे ही किसी शाम ढले। किधर है रे बाबा गाड़ी का ओनर? देखा
टेक्नोलॉजी ने बचा लिया। हाँ, पर सोचिए अगर ये टेक्नोलॉजी साथ नहीं छोड़ती तो इतना खूबसूरत समय बिताने का मौका कहाँ मिलता। मेरा मुंबई जाना इस सो कॉल्ड खूबसूरत समय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक गॉड टेक्नोलॉजी ने टाइम पे कमाल दिखा दिया। आई एम हैप्पी। कमाल तो तब होगा आलिया जी जब हम हर सिचुएशन में खुश रहना सीख जाएंगे। और हमें क्या लगता है ना, हमारी खुशियाँ टेक्नोलॉजी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी सिर्फ खुशियाँ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत भी है। अभी अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम मैकेनिक को फ़ोन कहाँ से करते, यहीं फंसे रह जाते। हाँ, इससे अच्छी बात क्या होती। मतलब नहीं कुछ नहीं। अरे मैडम पॉसिबल नहीं अभी है, कम से कम एक दो दिन पकड़ के चलो। Oh my God. आलिया जी आप टेंशन मत लीजिए। देखिए 3 बज रहा है, 3 घंटे में सुबह हो जाएगी, कोई ना कोई तो इस रास्ते से गुजरेगा ही, ले लेंगे लिफ्ट। मेरा मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है सारंगधर। आपके पास गैराज में और कोई गाड़ी नहीं है क्या? अरे नहीं ना मैडम, छोटा सा जगह है, एक भी गाड़ी नहीं हमारे पास। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, प्रोसीजर के लिए क्लिनिक पहुंचना नामुमकिन है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.